हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो उसका लेक्चर नंबर 22 है। तो चलिए हम अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कितने लोग क्वालिफाई होते हैं और आज का कट ऑफ क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज बेकॉन ऑफ द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेकॉन हम उस चीज को कहते हैं जैसे जो चीज रेज करते हैं, मतलब जैसे हम फायर से या लाइट से हम किसी को सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बेकॉन उसे कहते हैं। याद रखिए, किसको हमने लाइट ऑफ एशिया के रूप में माना है, हु इज नोन एज बेकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। रिमेंबर, ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका करेक्ट आंसर है, आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, बहुत लोग गौतम बुद्ध लगाने की कोशिश की होगी, बट आंसर करेक्ट सी है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज बेकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। ओके, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, और फिर वो प्रेसिडेंट जब वो बने, देन उनको वो प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी। तो आपको बताना है कौन सा वो ईयर था जिस टाइम पर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और ये बताना है वो ईयर, ऑफकोर्स वो दो बार रहे प्रेसिडेंट, तो आपको बताना है किस टाइम पर उनको कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी थी। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो ईयर, और हो सके तो वो प्रेसिडेंटशिप कहाँ हुई थी, ठीक है, कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बोला कौन सा गलत है रिलेटेड टू व्हाट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करें तो। तो पहला है कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेकंड, इसमें 188 मेंबर्स हैं। थर्ड, इसकी मेंबर कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती हैं। ओके, और ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग है, ये पूछा गया है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट आई थिंक आपने कैच कर लिया होगा, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है कि IMF का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है। ओके, तो न्यूयॉर्क में नहीं है, तो इसका आंसर है दैट इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। एक फेमस बुक मैंने पूछी है, किसने लिखी है, बुक है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक बहुत फेमस बुक रही है, किसने लिखी है इस बुक को। ऑप्शंस है RC दत्त, दादाभाई नरोजी, DR गदकिल या तो PC महालोबिस। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है, आंसर इज दादाभाई नरोजी। तो आंसर है बी, रिमेंबर। सो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर बजट की बात की है, बजट पे क्वेश्चन हमेशा होता है। तो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार बजट को पेश करने वाले, मतलब हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट किया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, यू कैन रीड दो स्टेटमेंट। ओके, और करेक्ट बताना है सबसे ज्यादा बार बजट किसने रखा है। मैं हिंट दे रहा हूँ, 10 times उन्होंने बजट रखा हुआ है, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। रिमेंबर, आंसर इज डी, मोरारजी देसाई। याद रखिए, फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने मैक्सिमम टाइम बजट को रखा, मतलब मैक्सिमम टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो 10 times उन्होंने, याद रखिएगा, फाइनेंस दैट इज बजट हैज बीन पुट बाय हिम। तो मैक्सिमम टाइम इज मोरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कुछ हिल्स लिखी हुई हैं, कुछ स्टेट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सी हिल रॉन्गली मैच्ड है। पहला है मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड मिकिर हिल्स असम, लुशई हिल्स मिजोरम, अबोर हिल्स त्रिपुरा। ये मैं नॉर्थ ईस्ट की हिल्स पूछी हैं जो एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सी हैं, आई थिंक अगर आपने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा होगा तो इट वुड बी ईजी क्वेश्चन, अदरवाइज गोइंग टू बी वेरी टिपिकल क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी। याद रखिएगा, जो अबोर हिल्स है, ठीक है, वो त्रिपुरा में नहीं है। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि अबोर हिल्स कौन से स्टेट में लोकेटेड है। मैं हिंट बता रहा हूं, ऑप्शंस आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मिजोरम, यही 3 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है अबोर हिल्स कहां लोकेटेड है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट लोकेटेड एट त्रिपुरा, रेस्ट 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, करेक्टली मार्क्ड हैं। रिमेंबर, अबोर हिल्स जो है इट इज नॉट लोकेटेड इन त्रिपुरा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अबोर हिल्स कहां पर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू गुजरात। गुजरात में एक बहुत फेमस स्टैच्यू बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ऑप्शंस है, पहला स्टेटमेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लोकेटेड है, नर्मदा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर लोकेटेड है। सेकंड पॉइंट है, इसकी हाइट जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है कि इसको डेडिकेट किया गया था नेशन को 31 अक्टूबर 2018। याद रखिएगा, 31 अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, 31 अक्टूबर को हम एक इंपॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए 31 अक्टूबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं।
तो लिखा हुआ है उस दिन इसको डेडिकेट किया गया था नेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट, इसकी जो हाइट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की, इट्स अराउंड 182 meters। ओके, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें, करेक्ट नहीं बताना, रॉन्ग बताना है। तो आई थिंक आपको करेक्ट पता भी होगा बट रॉन्ग बताना है। तो यू हैव टू गेट इनटू द आंसर, इट्स अ करेक्ट आंसर, आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, हाइट स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर नहीं है। मैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट अगर मैं बताऊं तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट सिर्फ 93 meters है जबकि इसकी हाइट 182 meters है। तो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। तो आंसर इज वॉट, दैट इज बी, बी स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन एक इंपॉर्टेंट वैली पूछी मैंने, दैट इज कश्मीर वैली। पूछा है कश्मीर वैली किन दो रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, MPPSC में आ चुका है, ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बट जब रेंजेस देखते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो कश्मीर वैली किस रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। आपके सामने दी हुई शिवालिक, पीर पंजाल धौलाधर झस्कर, पीर पंजाल धौलाधर झस्कर, आप देख रहे हैं एक ही रेंजेस को उसके अकॉर्डिंग सेट कर दी गई है। तो आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। अगर आपको आइडिया होगा यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर, नहीं पता होगा तो यू आर कंफ्यूज अमंग ऑल द रेंजेस। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में और ये आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको सीखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कश्मीर वैली जो याद रखिएगा झस्कर और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। ओके, आप मुझे बताइए पीर पंजाल जो रेंजेस हैं, ठीक है, वो किसका पार्ट है। ऑप्शंस हैं ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस या शिवालिक्स। ओके, तो आप मुझे बताना है ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस या शिवालिक किसका पार्ट है पीर पंजाल, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और झस्कर रेंजेस किसके पार्ट है, इसे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। ये तीन तो रहेंगे ही कॉमन, दैट इज ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक, और फोर्थ में ऐड कर रहा हूँ ट्रांस हिमालयस। तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे झस्कर हिमालयस किसका पार्ट है, पीर पंजाल किसका पार्ट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली लोकेटेड है, दैट इज नोन एज कश्मीर वैली। ओके, तो रिमेंबर दैट इज कश्मीर वैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, रेंजेस देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे करके याद होंगी, क्वेश्चन के फ्रेम में पूछता रहूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। नॉट करेक्टली इसलिए पूछता हूँ क्योंकि करेक्टली बताओ स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, मेरा टारगेट ये रहता है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है झस्कर रेंजेस, लिखा हुआ है कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। धौलाधर रेंजेस हिमाचल प्रदेश में, ऐसा लिखा हुआ है ना। सिंगालिलिया रेंजेस जो है अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुमाऊं रेंजेस उत्तराखंड में है। तो कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, अगर कोई उत्तराखंड का होगा स्टिल ही नो अबाउट रेंजेस बट स्टिल बाकी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। अगर आपको आइडिया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आइडिया होगा देन ओनली यू कैन मार्क द आंसर। इसका करेक्ट आंसर इज सी, याद रखिएगा। सिंगालिला रेंज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स इंडिया नेपाल के बीच में है, बट याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नेपाल। तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन है इसका, और देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके, बाकी तीन रेंजेस बिल्कुल करेक्टली हैं, झस्कर रेंजेस कश्मीर में है, धौलाधर रेंजेस हिमाचल प्रदेश में है, एंड कुमाऊं रेंजेस वेरी फेमस, ठीक है, दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था दैट इज थर्ड, दैट इज रॉन्गली मैच्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी करेंसी, विच करेंसी इज रिसेंटली, रिसेंटली मतलब जो लेटेस्टली ऐड हुई हो, रिसेंटली मैं ऐसा नहीं कल परसों ऐड हुई है, मेरा कहना है जो लेटेस्ट ऐड हुई है इन द बास्केट ऑफ IMF करेंसी। IMF की करेंसी अगर बात किया तो आपने सुना होगा SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ओके, तो उसकी करेंसी में उसके बास्केट है, एक बास्केट ऑफ करेंसी है SDR को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको बताना है कौन सी करेंसी उस बास्केट में आती है और रिसेंटली जो ऐड हुई है, रिसेंटली जो ऐड हुई है, जापानीज येन, चाइनीज युआन, इंडियन रुपी या ब्राजीलियन डॉलर, रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है। आई थिंक वे मार्क द करेक्ट आंसर, आपको आइडिया होगा इंडियन रुपी किसी ने लगाया हुआ, दैट इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज चाइनीज युआन। तो याद रखिए रिसेंटली चाइनीज युआन ही IMF के बास्केट में ऐड हुई है। आपको मुझे बताना टोटल IMF के बास्केट में अब कितनी करेंसी हो गई है आफ्टर एडिंग चाइनीज युआन, और वो कौन सी करेंसी है जो उस बास्केट में आती हैं। ओके, उन सब के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि कौन कौन से बास्केट में है, दिस कुड बी अ टिपिकल क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी करेंसी है जो IMF के बास्केट में है, चाइनीज वन लेटेस्ट ऐड हुई है। ओके, तो इसका आंसर था दैट इज बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, 10th क्वेश्चन में, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर बिकेम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पेंशनर कौन बने थे। ऑप्शन है अहमद शाह, अकबर टू, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। आप देख रहे हो मैंने जितने भी मुगल्स के नाम लिखे हैं सारे लेटर मुगल्स हैं, मतलब आफ्टर औरंगजेब जो मैंने मुगल्स लिखे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना करेक्ट आंसर।
I think we have marked the correct answer. Yes, it's Akbar 2. That is answer is B. But आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन्होंने किसको भेजा था ब्रिटेन. ओके, एक इंडियन फेमस पर्सनालिटी को भेजा था ब्रिटेन. ओके, और इन्होंने उसको एक टाइटल भी दिया था. ओके, अपनी पेंशन की बात करने के लिए इन्होंने भेजा था उसको कि जाकर बात करो रिलेटेड टू व्हाट, इंक्रीज करना है मेरी पेंशन वगैरह. तो ये उन्होंने भेजा था ब्रिटेन में, तो अकबर टू ने ही भेजा था. तो कमेंट बॉक्स में बताइए उस पर्सनालिटी का नाम क्या था, और उन्होंने अकबर टू ने उसको एक फेमस टाइटल भी दिया था. ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर क्या है. यस, फर्स्ट पेंशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बने थे मुगल किंग, दैट वाज अकबर टू. ओके, तो यहां पर हमारे 10 एएम दिल्ली सीरीज जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमने क्विकली कंप्लीट कर दिए हैं. इसमें आपको आपका टाइम भी बचा और विद इन 10 मिनट्स यू कैन एबल टू सॉल्व दीज 10 क्वेश्चंस. और मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप वो होमवर्क जरूर बताएं मुझे. ठीक है, सीरीज आपको जो पहली बार आए हैं इस सीरीज में, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इसमें डेली एएम पे सीरीज आती है आपको, तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे. प्लस आप नए हैं तो आपको पता नहीं उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें टेलीग्राम का हमारा लिंक दिया हुआ है. यू कैन क्लिक ऑन दैट टेलीग्राम लिंक एंड ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, जहां आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी. तो आप उन पीडीएफ को भी देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स की भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी. बट लेक्चर जरूर देखें, पीडीएफ से आपका कोई इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है, पीडीएफ से आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हो. पहले आप इन क्वेश्चंस को देखें और पीडीएफ आप सेव करके रखें रिवीजन पर्पस से. ओके, तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज गेन होगी. थैंक यू.